ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के ऊपर स्टडी वीज़ा को लेके, खासकर यूके यूएस के वीज़ा को लेके जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, अपडेट्स हैं, वो लगातार आप तक पहुंचाते रहें। सो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप कहीं पर भी कुछ भी मिस ना करें। और कभी भी आप अपने प्रोफाइल की असेसमेंट करवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आप एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल हैं, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाके एक फॉर्म भर सकते हैं, जहाँ से फिर टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आपके प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट ऑप्शंस हैं वो आपको एडवाइस कर सकती हो और आप उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस जो हैं वो बना सकते हैं करियर के लिए। नाउ यूके स्पाउस वीज़ा को लेके जब भी हम काउंसलिंग करते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होती है कि अगर हम स्पाउस वीज़ा या इंडिपेंडेंट वीज़ा बाद में अप्लाई करेंगे स्टूडेंट वीज़ा सिक्योर्ड करने के बाद या स्टूडेंट के ट्रैवल करने के बाद, तो उसमें सक्सेस रेट क्या रहेगा, उसमें कितना रिस्क रहेगा, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि डिपेंडेंट या स्पाउस वहाँ पर पहुँच नहीं सकेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि जो स्पाउस वीज़ा या डिपेंडेंट वीज़ा कैटेगरी है उसमें रिक्वायरमेंट्स आर क्वाइट मिनिमम, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी वाली फाइलिंग प्रोसेस नहीं है। उसमें दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स रखती हैं। पहली चीज़ कि आपकी रिलेशनशिप जेन्युइन होनी चाहिए, मतलब उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे पासपोर्ट्स के ऊपर नाम होना, आपके मैरिज सर्टिफिकेट का होना, अगर बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट होना, उनका प्रॉपर बैंकिंग और अदर आईडीज पे भी सही नाम एड्रेस इनलाइन होना। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फंड्स जो आपके अकाउंट्स में होने चाहिए, डिपेंडेंट के या स्पाउस के अकाउंट्स में होने चाहिए, और वो जेन्युइन होने चाहिए, 1 मंथ ओल्ड होने चाहिए, टेक्निकली जितने रिक्वायर्ड हैं उतने कम से कम होने चाहिए, उससे ज़्यादा हों तो अच्छी बात है। और इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रखें, बिकॉज इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपका जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ जो जा रहे हैं बाद में, वो क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, कितना वो प्रोफेशनली कितने जॉब या बिजनेस ओरिएंटेड हैं, या वो कितना एजुकेटेड हैं, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। जो टेक्निकली दो ही चीज़ें आपकी रिलेशनशिप और फंड्स का होना, ये मेन रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। इमिग्रेशन हिस्ट्री, अगर आपकी कोई यूके की इमिग्रेशन हिस्ट्री है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत है, उसको समझ लेगा, वो पढ़ देगा, 90% कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, अगर आप वहाँ से डिपोर्टेड हो कभी, या आप वहाँ से पहले पढ़ के आए हो, या कुछ भी है, तो वो उन केसेस में देखना पड़ेगा कि आप कैसे वीज़ास में रह के आएँ, बट अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो आप कैनेडा से रिफ्यूज़ हो, यूके से रिफ्यूज़, यूएस से रिफ्यूज़ हो, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी आप रिफ्यूज़ हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही से अपनी प्रोफाइल या फाइल को सबमिट करेंगे, आपके ऊपर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स के एलिगेशंस नहीं है, तो आपको निश्चिंत होकर अपने प्रोसेस को करना है। और स्टडी वीज़ा का भी सक्सेस रेट 100% चल रहा है, और डिपेंडेंट वीज़ास का कोई भी वीज़ा अभी तक मुझे नहीं लगता, मेरा तो हुआ ही नहीं है, बट किसी कंसल्टेंट का भी रिफ्यूज़ नहीं हुआ होगा, 100% सक्सेस रेट इन केसेस में चल रहे हैं। सो निश्चिंत रहें और बेफिक्र होकर अपनी फाइलिंग करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो थ्री स्टेप्स, अ सिंपल थ्री स्टेप्स। नंबर वन, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर टू, यू नीड टू फिल अ फॉर्म, वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर थ्री, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर, यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनी वेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।